वेलकम टू टेन टेस्ट विद रोहित यूट्यूब चैनल। और जैसे कि हमारी बात हुई थी अपकमिंग चैनल अपडेट्स को लेकर, तो उसके अंदर हम लोग जो है फोर्थ फिगर और इन सब लैब्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सो ये जो लैब है इसमें काफ़ी सारी लैब्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी बहुत ही साथ साथ में इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, जैसे कि लॉग4j एंड डाइव, ये कुछ पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को हम लेके चल रहे थे या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे थे, राइट। और अभी जो हम करने वाले हैं दैट इज कि हम लाइन बाय लाइन चीजें करेंगे, है ना। तो इससे ये होगा कि सारा सोल्यूशन तो आपको एक जगह मिल जाएंगे, यानी कि फोर्थ फिगर के लैब्स के जितने भी सोल्यूशन है एकेडमी सेक्शन के, वो सारे के सोल्यूशन आपको वीडियो फॉर्मेट में विद वॉइस, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज विद वॉइस आपको मिलेंगे, जिसमें आपको गाइडेंस दी जा रही है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। नई कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी कि ऐसे ही क्यों करना है, ऐसे ही क्यों क्लिक कर रहे हैं, क्यों सेशन को ले रहे हैं, वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा एक ही जगह पर सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे लैब्स के, राइट। ये सारे आपको तब भी बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, जो भी सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा ये आपको तब भी बहुत मदद करेंगे, अगर आप बर्ब सूट सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर की जो है प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। ओके, तो ये इसलिए करना है, वाई मैंने आपको आंसर कर दिया कि हमें क्यों करना है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं बर्ब प्रो के अलावा भी जिसकी जरूरत पड़ सकती है। ओके, हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं जो आप इसी के अंदर कम्युनिटी वाले वर्जन में ही कर लोगे कंप्लीट, लेकिन काफी लोग हैं जिनको मेहनत कम करनी है तो वो बर्ब प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा और भी कुछ लैब्स हैं जहाँ पर आपको जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि एसक्यूएल मैप का इस्तेमाल करना हो सकता है एसक्यूएल इंजेक्शन की लैब में, एक्सएसएस के अंदर डेलफॉक्स है, एक्सएसएस स्ट्राइक है, क्लिक जैकिंग और डॉम बेस और बाकी जितनी वल्नरेबिलिटीज उसके अंदर है, उसके अंदर कुछ ज्यादा टूल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज के अंदर एक्जिट टूल की हमें जरूरत पड़ सकती है, राइट। अब इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं, मतलब लेवल होते हैं लैब्स के, अप्रेंटिस लेवल है, प्रैक्टिशनर लेवल लैब्स हैं उसके अंदर। हम एक बार एक एक करके सारे के सारे लैब्स कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम किसी भी उससे कर सकते थे, बट क्योंकि हमने बाकी चीजों के ऊपर काम कर लिया है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हम लोग कर चुके हैं और बाकी चीजें मैं जो है कॉन्सेप्ट अपने बता चुका हूँ, राइट। तो फोर फिगर्स ये भी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने मतलब मिक्स कंटेंट है इसके अंदर, राइट। तो कुछ चीजें जो वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर जो मिस नहीं है, क्योंकि 1 घंटा 6 मिनट और मतलब 6 मिनट या 7 मिनट हो गए, तो 1 घंटे की वीडियो में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाती है, लेकिन जो चीजें कवर नहीं हुई है मैं उसकी बात अब करने वाला हूँ, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल नहीं हुआ है और भी बहुत सारी चीजें नहीं हुई है। तो पूरी एक जो बनने वाला वो इस तरीके से होगा कि आपको कोर्स सीकर की लैब्स पूरी जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सिक्वल इंजेक्शन की लैब, एक्सेस की लैब, सीएसआरएफ की लैब, क्लिक जैकिंग की लैब, डोम बेस्ड वल्नरेबिलिटी की लैब, सीओआरएस की लैब, एक्सएसई की लैब, इंजेक्शन की लैब, एसआरएफ की लैब्स, एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग की लैब, OS कमांड इंजेक्शन की लैब, सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन की लैब, डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल की लैब, एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज की लैब, ऑथेंटिकेशन, वेब सॉकेट्स, वेब चाचे पॉइजनिंग, इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज, HTTP होस्ट हेडर अटैक लैब, ऑथ ऑथेंटिकेशन लैब, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज जितनी भी हैं इसके अंदर वो सारी कंप्लीट होने वाली। मैंने कुछ का नाम लिया है, हो सकता है कुछ मिस हो गई हो, दिमाग में इतना मैं नहीं रख सकता। जितने भी है मैं आपको सारे दिखाऊंगा, सारे बताऊंगा, सारी चीजें हम लोग करेंगे, राइट। चलते हैं सबसे पहले कोर्स फिगर के ऊपर और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अपने शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ही कम समय के अंदर बहुत सारी वीडियोज अब आएंगी जब जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी जो है वो कवर हो चुकी होगी और हम अब आगे बढ़ने को तैयार होंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका कोई दोस्त है तो आप उसको ये वीडियो की लिंक दे सकते हो, राइट। यू कैन शेयर विद देम, आप आपको मैं ये वाली वीडियो शेयर कर सकते हो या फिर कोई भी वीडियो जो उसको पर्टिकुलर चाहिए वो शेयर कर सकते हो। रिमेंबर शेयरिंग इज केयरिंग, सो लेट्स गो फर्दर एंड सी कि आगे हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इन्वायरमेंट से जो है रूबरू हो जाते हैं, इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं, राइट। तो इन्वायरमेंट में सबसे पहले प्रोडक्ट्स हैं इनके, राइट। प्रोडक्ट्स में बक्सूट इंटरप्राइज एडिशन है, बक्सूट प्रोफेशनल है, कम्युनिटी एडिशन है। जो लोग प्रोफेशनल या इंटरप्राइज नहीं खरीद सकते, नहीं ले सकते, आप लोग बक्सूट कम्युनिटी एडिशन से ही शुरुआत करो, आपके लिए बेस्ट है। कि चीजें आपको आपको चीजों को आप लोग मैनुअली हैक कर रहे हो वेबसाइट सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो 3 इनके प्रोडक्ट है, सोल्यूशन के अंदर इनके कुछ सोल्यूशन है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउटी हंटिंग, कंप्लायंसेस होती है बहुत सारी जो कि करनी होती है। कंप्लायंस का मतलब सिंपल ये समझ सकते हो कि किसी भी
चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन राइट, तो वो एनहेंस करता है सिक्योरिटी को मॉनिटरिंग करते वक्त राइट। ऑटोमेटेड स्कैनिंग डेवसेकऑप्स सॉल्यूशन से जो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनका रिसर्च है, अकेडमी है, डेली स्विक्स है एंड देयर इज सपोर्ट सेक्शन, जिसके अंदर सपोर्ट सेंटर है, गेस्ट प्रोफेशनल फॉरम फॉरम भी है यहाँ पर, डाउनलोड्स हैं, एंटरप्राइज है, डॉक्यूमेंटेशन है, वर्क सूट को लेकर डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर राइट। ओके सो ये कुछ चीज़ें, इसके अलावा बाकी यहाँ पर चीज़ें देखें करियर्स को लेकर, लीगल्स को लेकर राइट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो ये अभी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, बट स्टिल अभी हमारा जो ध्यान है वो अकेडमी पर रहेगा राइट। अकेडमी पर हम लोग बहुत ध्यान देंगे, रिसर्च पर हम लोग ध्यान देंगे, बाकी चीज़ें भी हैं यहाँ पर, बट ज़्यादा सिमिलर थिंग जो ऊपर देखिए वही चीज़ें थोड़ा बॉक्स में यहाँ पर डाल दिया है। इसके अलावा यहाँ पर कनेक्ट विद अस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चीज़ें पढ़ सकते हो उनके बारे में राइट। एंड ओके तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, रिलीज नोट्स यहाँ पर निकलते हैं। ओके सो अब आप चलते हैं जो हमारी मेन चीज़ है वर्क सूट का, ये रिसर्च सेक्शन है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल जिसमें बता रखे हैं कि मेकिंग एक्शन क्रिटिकल भी है, रिस्पॉन्स क्यू रिस्पॉन्स, ये अभी 22 सितंबर 2022 को आया है राइट। ये लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो कि आपको है मेरी सीरीज को कंप्लीट करने के बाद, यानी कि जब पोस्ट रिगर की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये बहुत चीज़ें हैं। तो जब पोस्ट रिगर की सीरीज कंप्लीट हो जाए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, तो आपको अगर अप टू डेट रहना है, अप टू डेट रहना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी राइट। आपको एक दिन का आप बना सकते हो कि मुझे जो है क्या करना है, मैं एक दिन बाद जैसे मेरा आज का दिन खत्म हो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग अलग से 8 o'clock या 5 o'clock जैसा भी आपको जो ठीक लगता है, तो आपको जो है अपडेट करना है अपने आप को इन्फॉर्मेशन वाइज। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो और रिसर्च आर्टिकल्स को यहाँ पर जो है पढ़ सकते हो। टॉप के 4 आपको दिखाई दे, उन रिसर्च आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हो, और भी आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो। जितनी भी टेक्निक्स हैं सीखो यार, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर अभी तो फिलहाल, बट और बढ़ेंगे आप टाइम आने वाले टाइम पर, तो आप अभी से अप टू डेट रह सकते हो राइट। फ्यूचर जो है वो भी पढ़ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यू वॉन्ट टू बी सिक्योरिटी रिसर्च, हाँ क्वेश्चन मार्क, सीक्वल इज ऑलवेज वर्स, ब्राउजर पावर डी सिंक अटैक्स एंड दीज आर द फ्यूचर रिसर्च जो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर वेब सिक्योरिटी अकेडमी का दे रखा है, ऑनलाइन सिक्योरिटी जिसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इसके अंदर भी मटेरियल्स एंड लैब्स हैं जिसको देख चुके हैं, बहुत सारे और भी हैं। पाथवे जो है इसके अंदर दिया गया है कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, कौन से बनने के लिए शुरू करना चाहिए, कौन सा आपके लिए सबसे बेटर रहेगा राइट, उस हिसाब से। तो ये जो चीज़ें दे रखी हैं ओवास टॉप 10 जो पुराने वाला था उसके हिसाब से है, नए वाले के हिसाब से जो पाथवे है वो मुझे नहीं लगता क्योंकि नए वाले के अंदर चेंजेस आए हैं राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अपने जो सोल्यूशन है उस पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक डेली स्वीक भी है राइट। ये जितने भी डेली स्वीक हैं इसमें रीजन्स के लेख को लेकर राइट, अफ्रीका एशिया में क्या है, हैकिंग न्यूज़ यहाँ पर आपको मिलेगी अलग अलग के लेटेस्ट हैकिंग न्यूज़, क्लाउड सिक्योरिटी, हैकिंग टूल्स, डेटाबेस सिक्योरिटी, हैकिंग टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। डेटाबेस के ब्रिजेस के बारे में, डेटा ब्रिजेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पर सकते हो, साइबर अटैक्स यहाँ है, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरो डे न्यूज़ लेटेस्ट RCESRF एक्सेस लीक्स राइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। मोर के अंदर और एनालिसिस है, रिसर्च है, तो देर इज लॉट ऑफ कंटेंट राइट जो कि अवेलेबल है, बट नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ वीडियो, नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ गुड पाथ राइट। तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। आई होप कि आपको पता लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो बग बाउंड्री यहाँ पर है, तो चीज़ें दे रखी है यहाँ पर राइट, आपको यहाँ पर आना है एंड देन वट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी ऑल दीज थिंग, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, इस तरीके से आप जो है कभी भी स्टॉप नहीं हो पाओगे है ना। तो इसलिए मैंने बता दी सारी इन चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम न्यू वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर कर सके, तो ओल्ड वल्नरेबिलिटी है वो तो है, वो तो हम निकाल सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस, वी वॉच देम, वी गॉट द आइडिया राइट कि कैसे हम उस चीज़ को जो है निकाल सकते हैं, कैसे वल्नरेबिलिटी निकाले जाते हैं, कैसे डील। ओके गुड, बट द क्वेश्चन इज कि कैसे अब न्यू वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहता है लोगों का कि कैसे हम वो चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो यही है कि आप जितनी भी नई चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, इसको पढ़ते रहो, टाइम का अपडेट लेते रहो, फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ जरूर क्लिक करेगी आपके दिमाग पे, क्या ऐसे भी तो हो सकता है। तो वो जो ऐसे भी हो सकता है वो यही सब करके जो है क्लिक होने वाला है, जब आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन कुछ तो होगा एटलीस्ट राइट। ये चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट फिर होनी चाहिए, आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके दिमाग में, तब जाके कुछ ना कुछ तो जरूर क्लिक करेगा आपके दिमाग राइट। आई होप
बट आई आंसर दैट क्वेश्चन क्योंकि बहुत लोगों का जो आने वाले टाइम में होगा या फिर काफी लोगों का अभी से था. सो ये सारी चीजें हैं, बक्सर का डॉक्यूमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें. ओके सो मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन, इसलिए कहता हूँ क्योंकि यही है जो आपको आगे लेके जाएगा. मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो या आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहो कि यार जब तक वो नहीं बताएगा तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा. नहीं, आपको अपनी रिसर्च कंटिन्यू करनी है. मैं बताऊँ ना बताऊँ वो एक अलग चीज है, ठीक है. आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि आप जो है इन सब चीजों का इस्तेमाल करो, ठीक है. मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग वीडियो देखो, मेरा वो मकसद नहीं है, ठीक है. मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इन चीजों को समझो. ओके ओके सो ये चीज हो गई. ओके अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम मूव करेंगे, एनवायरनमेंट को हमने समझ लिया एंड नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द थिंग जो कि हमें डिस्कस करनी है, राइट. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही करेंगे, यही समझेंगे किस तरीके से हम लोग जो है चीजें कर रहे हैं. अभी हमने आर्टिकल्स वगैरह देख लिए, टॉक्स वगैरह भी है इसके अंदर और बहुत सारी चीजें, ठीक है. कोर टॉपिक्स भी इसके अंदर समझा रखे हैं, ठीक है. जैसे कि लग सकते हैं रिजेक्शन है, रिक्वेस्ट स्मगलिंग है, यहाँ पर है नॉमिनेशन, देखो 2021-2020 सारे यहाँ पर कवर दे रखे हैं. टॉप 10 हैकिंग टेक्निक्स इन 2021, यहाँ पे वो चीजें समझा रखी है जो बहुत ही कूल स्टफ मैं बोल सकता हूँ, बहुत ही अच्छा स्टफ मैं बोल सकता हूँ जो कि अवेलेबल है यहाँ पर. और बहुत ही एकदम टू दी पॉइंट यहाँ पर बातें चल रही हैं, 10th नंबर पे फजिंग कैसे कर सकते हैं, राइट, फजिंग और वी आर नेस्टेड पार्सर्स एंड प्रैक्टिकल हैकर स्मगलिंग, जेसन इंटरप्रेटिव वल्नरेबिलिटीज, चाचे पॉइंटिंग एट स्केल, हिडन ऑथ अटैक वेक्टर्स, यहाँ पे नाम है रिसर्चर्स का, ठीक है, इन हिडन ऑथ अटैक वेक्टर्स अवर ऑन माइक टेक्स एंड अल्टरनेटिव अप्रोच. तो वो अप्रोच, वो चीजें, वो जो है विजन कैसे होगा, वो सब यही सब पढ़ के आपका विजन बनने वाला है. डिपेंडेंसी कंफ्यूजन, राइट, या फिर मोड जैसे NPM में डिपेंडेंसी कंफ्यूजन की बात करते हैं, दिस इज दैट थिंग, राइट. तो ये चीजें यहीं से आने वाली हैं, जो रिसर्चर है वो यहीं से पढ़ते हैं, जिसको आप बड़ा रिसर्चर समझते हो, मानते हो, बहुत अच्छी चीजें, मैं कहता हूँ वो और आगे बढ़े, बट वो कैसे बढ़ रहे हैं मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि मैं ये सब पढ़ के आपको बताऊँ, ठीक है. तो ये चीज समझ में आ चुकी होगी. अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अकेडमी में जाएंगे, उसके बाद जो है सिंपली लॉग इन करेंगे. आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लेना है, साइनअप कर लेना है, साइनअप करने के बाद लॉग इन कर लेना है. After that, we have to go to academy section के अंदर आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा, आपका नया लेवल, आपका जो है लैब जो है कितनी लैब सॉल्व करी है, अभी मेरे यहाँ पर देखो न्यू भी दिखा रहा है और यहाँ पर रैंक दिखा रहा है, ठीक है. रैंक आपके यहाँ पर आएगा, कौन सा रैंक आपका जो है अभी चल रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा. इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक लर्निंग पाथ कैसे रखना है, आपका सर्टिफिकेशन और लर्निंग मटेरियल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे पढ़ने के लिए. वर्णा कितनी लैब जितनी आप सॉल्व करोगे, अभी अप्रेंटिस प्रैक्टिशनर एक्सपर्ट के लिए आप लैब सॉल्व करोगे. ओके तो ये कुछ चीजें हैं, ऑल ऑफ फेम में आपका नाम यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, मेरा दूर दूर तक नाम नहीं आ रहा, मेरा नाम यहाँ पर बहुत ही जो है बाद में आ रहा है, राइट, कैन सी. सो यू आर शोइंग एज एनोनिमस, शो योर सेल्फ, ठीक है. तो मैं अपने आप को चाहूँ तो शो कर सकता हूँ, अच्छा हो गया. सो ये इस तरीके से आपने कर लेना है, चूज टॉपिक कर सकते हो, जो भी आपको सर्च करना है उसको काम करना, राइट. तो ये आपकी रैंकिंग होती है, रैंकिंग आप डाल सकते हो बाद में, या आपके तभी मतलब लिंक्डइन पे या कहीं पर डाल दें अपनी रैंकिंग, तो आपको सर्च कर सकते हैं लोग कि हाँ यार इसने काम किया भी है कि नहीं किया है, या फिर ऐसे ही बोल रहा है कि मैं लैब सॉल्व करूँ, ठीक है. तो ये इस वजह से आपको हेल्प कर दूँ. सो एज यू कैन सी, तो ये लीडर बोर्ड है एक्चुअली, ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं चीज़ें, हॉल ऑफ फेम ये सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो दिस इज नॉट नेसेसरी. ओके तो हम लोग क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट हम वीडियो में यही करेंगे कि लैब सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे वो एक्सेस कंट्रोल पे हम लोग काम कर रहे होंगे, और इसका अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऐसा करेंगे या क्या इसका रीज़न है, तो अगर आप वास्ट टॉप 10 पे जाते हो एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2021 के अकॉर्डिंग सबसे पहले टॉप पे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, देन क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स है, और ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल इज ऑन द फर्स्ट पोजिशन इन 2021, ठीक है. ये 5th पोजिशन से उठ कर फर्स्ट पोजिशन पे आया है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल इज ऑन 5th पोजिशन एंड ये अब जो यहाँ पर फर्स्ट पोजिशन पे आया है, ठीक है. इसके अंदर टोटल 34 कॉमन वीकनेस एनोमलेशंस है, CWE, और इस ये से जो CWE क्या होता है ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट. सो ये चीज़ें यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, इसके अंदर वल्नरेबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की होगी, साथ साथ में लैब भी सॉल्व करेंगे, दोनों चीज़ें हम लोग एक साथ करेंगे. नॉट लाइक कि पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर हम लैब सॉल्व करेंगे, साथ साथ में कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ साथ हम लोग लैब को सॉल्व करेंगे, राइट.
ये चीजें हम लोग करने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक देन इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, एंड कीप वॉचिंग फैंटास्टिक यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।